बच्चों आज हम लोग करेंगे योग, और योग से कौन सा आसन करेंगे? तो करेंगे हम लोग रज्जु करसनासन आसन। रज्जु का मतलब रस्सी होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रज्जु करसनासन आसन। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पैर को सीधे रखकर और एक दूसरे से सटा कर रख लेंगे, और अपने हाथों को केवलियों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और यहाँ घुटने पर रख लेंगे, ठीक है। आंखें खुली रखेंगे और कल्पना करेंगे कि हमारे सामने एक रस्सी लटक रही हो, उसको जितना ऊपर ले जा करके और उसको खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए यहाँ ला रखना है, फिर इस हाथों से करना है। यानी एक बार इस हाथ से और एक बार इस हाथ से करेंगे तो यह एक चक्र होगा, और इसका अभ्यास आप लोग 5 से 10 चक्र करेंगे। बच्चों इसका अभ्यास आप लोग को इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपका जो चेस्ट है और पीठ के जो ऊपरी हिस्से हैं उसके पेशियों को ये पुष्ट बनाता है, और इसमें इसको शक्ति प्रदान इसमें करता है, इसे मजबूत बनाता है, और बहुत सारे जो रोग हो जाते हैं जो पीठ के ऊपरी हिस्से में हो जाते हैं और ये वच में, ये सबसे आपको निजात मिलेगा। तो चलिए बच्चों इसका अभ्यास स्टार्ट करते हैं। एकदम सीधे हो जाएंगे और जैसे जैसे हम करेंगे उसी प्रकार आप लोग भी करेंगे। तो ये श्वास लेते हुए ये हैंड को ऊपर उठाएंगे और उसके साथ आपको भी देखेंगे, और जितना हो सके संभव ऊपर हाथ को ले जाएंगे, श्वास ले के रोकेंगे थोड़ा, और फिर इसको धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ये लाएंगे। फिर इस हाथ से करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर श्वास थोड़ा पावर से छोड़ेंगे ये, यानी कि ले जाना है आराम से श्वास लेते हुए, और ऊपर से रस्सी को जितना पावर से हो सके नीचे खींचना है। तो ये खींचेंगे, इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो में ले रहे हैं श्वास लेते हुए, और यहां से ये फिर ले रहे हैं स्लो में, फिर ऊपर से लाएं ये। इस पे ध्यान दीजिएगा कि इस पे घुटने पे ज्यादा कस के ना मार दें, ऐसा नहीं कि घुटने पे मारते हैं तो घुटना दर्द होने लगेगा। तो ये ध्यान देना है कि ऊपर ले जा रहे हैं और उसके बाद फिर नीचे लाएं पावर से, तो यहाँ पे रख दें, फिर ऊपर ले जाएं श्वास लेते हुए, फिर रख दें। तो इसका अभ्यास आप लोग जरूर करेंगे बच्चों, ये बहुत लाभदायक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।